जी, ये जो बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज आप लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर जो भी प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, वो सारी बातें अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2030 शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 में आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिफाइंड है, हम लोग उसी फॉर्मेट को उठा करके और उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अभी हम लोग इसमें सिर्फ शेयर कैपिटल से रिलेटेड बातें करेंगे, बाकी जब हम लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बुक्स में पहुंचेंगे, जब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो इसके बाकी और जो अदर कॉम्पोनेंट्स हैं, हम उन कॉम्पोनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम पहला दो कॉम्पोनेंट डिस्कस करके चलेंगे, एसेट्स के, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का, और एक कॉम्पोनेंट डिस्कस करके चलेंगे एसेट साइड का। बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स हम लोग जब जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल 3 पार्ट 1 हमें बताया गया है, हमें कहा गया है कि बैलेंस शीट दो तरीके से बनाई जाती है। बैलेंस शीट में दो चीजें होनी जरूरी है, मेथड नहीं, दो चीजें होनी जरूरी है। पहला, फर्स्ट हम लोगों को बनानी है फेस ऑफ बैलेंस शीट। फेस ऑफ बैलेंस शीट जो कि मेन बैलेंस शीट होती है, जिसके ऊपर आपको सारे कॉम्पोनेंट्स के फिगर्स दिखाई देंगे। ठीक है, फिगर्स जो मेन फिगर्स होगा, जैसे शेयर कैपिटल का मेन फिगर क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस का क्या बैलेंस है, उसके अलावा और फिक्स्ड असेट्स का क्या बैलेंस है, नॉन टैंजिबल्स का, टैंजिबल्स का, करंट असेट्स का क्या बैलेंस है, वो सारी चीजें जिसको हम लोग फेस ऑफ बैलेंस शीट बोलते हैं। और दूसरा एक चीज होगी जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, और इसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब जब भी हम लोग कंपनी एक्ट के अंदर बैलेंस शीट बनाएंगे, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे, उस बैलेंस शीट को बनाते टाइम हमारे पास में एक फेस होगा जो बैलेंस शीट का मेन फेस होगा, जो मेन फॉर्मेट होगा, और प्लस उसके साथ में एक चीज और होगी, नोट्स टू अकाउंट्स, विच इज द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, जो सारी चीजों का डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताएगी कि उसमें वो क्या क्या बातें डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग फॉर्मिंग पार्ट की बात करेंगे, फिर सबसे पहले हम लोग फेस की बात करेंगे, और फेस के बाद हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स की बात करेंगे। ठीक है, कैसे और किस तरीके से लिखना है और इसमें क्या क्या बातें होती हैं, हम लोग इन सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो जो मेरा मेन फेस ऑफ द बैलेंस शीट होगा, वो बैलेंस शीट का मेन फेस ऊपर बनेगा। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये आपका एक पेपर है, पेज है। ठीक है, तो इस पे आप मेन बैलेंस शीट को ऊपर बनाएंगे और नोट्स टू अकाउंट्स को हमेशा नीचे बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ये आपका पेज ऑफ पेपर है, तो आपकी जो मेन बैलेंस शीट बनेगी, मेन बैलेंस शीट आपकी यहां बनेगी, जो भी उसका फॉर्मेट होगा, अभी हम लोग फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम लोग मेन बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, फिर नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। और जहां मेन बैलेंस शीट आपकी खत्म होगी, ठीक उसके नीचे आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, अगर मेन बैलेंस शीट बनाते हुए आपका पेज खत्म हो गया, तो आप नोट्स टू अकाउंट्स अगले पेज पे बनाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि नोट्स टू अकाउंट्स मेन बैलेंस शीट से पहले कभी भी नहीं बनाया जाएगा, हमेशा इसका नाम ही है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मिंग पार्ट का मतलब ही होता है कि कोई एक चीज जब दूसरे चीज के साथ में उसके नीचे उसका हिस्सा बनती है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिंग पार्ट। तो नोट्स टू अकाउंट्स इज ऑलवेज अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो पहले बैलेंस शीट आएगी और उसके नीचे नोट्स टू अकाउंट्स आएगा। अब हम लोग एक एक करके फॉर्मेट देखते हैं कि अपने बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है और नोट्स टू अकाउंट्स का क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से लिखना है। नोट्स टू अकाउंट्स तो बेसिकली क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स क्या हो गया, अच्छा ठीक है, हम बना रहे हैं अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट, आप देखिए उसको। ठीक है, हमने बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स के बारे में बात करी है, अभी हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता रहे हैं, सब कुछ समझाया नहीं है, अभी हम फिर समझाएंगे अभी आपको। ठीक है, आइए, तो सबसे पहले आपको जो लिखना होता है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट में, वो लिखना होगा
बैलेंस शीट ऑफ ऑफ जो भी कंपनी होगी, एक्स वाई जेड लिमिटेड, जो भी कंपनी हो, आपको लिमिटेड कंपनी की ही बैलेंस शीट मिलेगी बनाने के लिए। ऐसे भी बैलेंस शीट आपको लिमिटेड की बनानी मिले, प्राइवेट लिमिटेड की बनानी मिले, किसी की भी बनानी मिले, आपको कंपनीज एक्ट अगर फॉलो करना है तो आपको इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। आप कोई भी फॉर्मेट अपने मन से नहीं बना सकते हैं, ठीक है, अपने मन से नहीं बना सकते हैं। एज एट जो डेट आपको दी होगी वो डेट आप लिखेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा वो लिखेंगे, एज एट जो डेट आपको दी होगी वो डेट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पे आपका आएगा पार्टिकुलर्स, ठीक है, ये कॉलम आपका होगा पार्टिकुलर्स का। आपको टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट अब भूल जाना है, अब आपको टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट नहीं बनानी है जिसमें इधर एसेट्स हुआ करता था, इधर लाइबिलिटीज हुआ करती थी। ये बैलेंस शीट में ही आपको, ये बैलेंस शीट आपको पार्टनरशिप में ही भूल जानी है बेटा, ठीक है। पार्टनरशिप से आगे ये बैलेंस शीट आपकी कहीं नहीं चलेगी, ना कंपनी में चलेगी, ना कंपनी के बाद वाला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना वहां चलेगी, कहीं भी ये बैलेंस शीट आपकी काम नहीं आने वाली है। तो अब आपको नई बैलेंस शीट को देखना है और इसको समझना है, ठीक है। हमने लिख दिया पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स लिखने के बाद हम एक छोटा कॉलम बनाएंगे, ठीक है, और बाकी बचे हुए जगह को दो इक्वल कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे। आपको फॉर्मेट कहीं भी मिल सकता है, बुक में भी मिल सकता है, आप वहां से भी देख सकते हैं। यहां से देखेंगे तो आपको ज्यादा क्या फायदा होगा कि आपको चीजें समझ में एक बार में आती चली जाएंगी, ठीक है, पार्टिकुलर्स। दूसरी जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं नोट नंबर, नोट नंबर, ठीक है। और यही आगे आपको यहां पे जो आप नोट नंबर देंगे, यही नोट्स आपको आगे फिर नीचे नोट्स टू अकाउंट्स के फॉर्म में बनाने पड़ते हैं, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स का भी फॉर्मेट फिक्स्ड है, उसको भी आप अपने मन से हिला डुला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप बैलेंस शीट बनाएं, चाहे आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएं, द फॉर्मेट इज ऑलरेडी बीन फिक्स्ड, ये आपके लिए फॉर्मेट फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। नोट नंबर हो गया, आगे आते हैं, बोलता है फिगर एट द एंड ऑफ करेंट रिपोर्टिंग पीरियड, जिसको हम लोग करेंट ईयर भी बोलते हैं, फिगर एट द एंड ऑफ करेंट रिपोर्टिंग पीरियड। और ये बोलता है फिगर एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, जिसको लोग बोलचाल की भाषा में इसको प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं, इसको करंट ईयर भी बोलते हैं। लेकिन लिखा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर नहीं जाता है, लिखा यही जाता है जो मैंने लिखा है, फिगर एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो फॉर्मेट आपका सही नहीं होगा, बिकॉज फॉर्मेट के साथ में दिक्कत ये है कि हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकते हैं। फॉर्मेट वाली चीजों में हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू फॉलो द थिंग्स एज इट इज स्पेसिफाइड ओवर देयर इन द शेड्यूल, जैसा शेड्यूल में लिखा हुआ है। आइए अब हेडिंग लिख रहे हैं हम, हेडिंग आपको ऐसे ही हेडिंग लिखना है जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। पहली हेडिंग आती है, फर्स्ट हेडिंग हम लिख रहे हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी, दिस इज कॉल्ड हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटी। मतलब अब जो इसके नीचे लिस्ट की जाएंगी चीजें वो इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल से रिलेटेड बातें लिस्ट की जाएंगी, और लाइबिलिटीज के बारे में आपको चीजें दी जाएंगी, लाइबिलिटीज जो हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। यहां तक बात हो गई, इक्विटी एंड लाइबिलिटी की बात हो गई। अब ए हो गया आपका मेन हेडिंग, दिस इज कॉल्ड मेन हेडिंग,
ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसको बेटा मेन हेडिंग बोलते हैं। अब आइए, अब इस मेन इक्विटी एंड लाइबिलिटी की मेन हेडिंग्स के अंदर अब आएगा आपका पहला सब हेडिंग, जिसको हम मेजर हेड बोलते हैं। मेजर हेड मैं लिख दूंगा सारी चीजें, ठीक है। ये पहला मेजर हेड जो है ये है शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। ये पहला मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड, हम सब बात करते चलेंगे। दिस इज कॉल्ड मेजर हेड। मेजर हेड का मतलब होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अंदर और बाइफर्केशंस आएंगे, लेकिन जो शेयर होल्डर्स फंड पहला कंपोनेंट है बैलेंस शीट का, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीजें आएंगी, तो अब देख रहे हैं नोटिंग्स चेंज हो रहे हैं, नोटिंग्स चेंज हो रहा है। मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटी सबसे पहली चीज, उसके अंदर पहला मेजर हेड आएगा शेयर होल्डर्स फंड का, उसके अंदर पहली चीज आएगी शेयर कैपिटल की, शेयर कैपिटल। इसको बोलते हैं सब हेडिंग या सब हेड। आप इसको हेडिंग भी बोल सकते हैं, मेजर हेडिंग भी बोल सकते हैं, मेजर हेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मेजर हेड और ये हो गया उसका सब हेड। मतलब शेयर होल्डर्स फंड में पहला सब हेड क्या आता है, तो पहला सब हेड आता है भाई शेयर कैपिटल का। होप सो आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सब हेड आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस का, दिस इज ऑल्सो अ सब हेड, ठीक है। मतलब इसके अंदर भी अगर कुछ बातें लिखनी है, जो कि बिल्कुल ही लिखनी है शेयर कैपिटल के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, तो ये चीजें अब यहां नहीं लिखेंगी, इनके लिए हम नोट्स बनाएंगे। जैसे मान लिया पहले सब हेड के लिए हमने बना दिया नोट नंबर 1, दूसरे सब हेड के लिए हमने बना दिया नोट नंबर 2। दिस इज कॉल्ड नोट्स फॉर्मिंग बैलेंस शीट। मैं आगे आपको नोट्स बना के भी दिखाऊंगा कि कैसे नोट्स बनाते हैं। मींस अगर मैंने यहां लिख दिया, अगर मैंने यहां प्रीवियस ईयर की फिगर में लिख दिया 5 लाख रुपया और करंट ईयर की फिगर में मैंने लिख दिया 6 लाख रुपया, तो यू आर नॉट गोइंग टू नो कि भाई ये शेयर कैपिटल में क्या है। 5 लाख रुपया और 6 लाख रुपया मेरे पास में, ये कौन सा शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, क्या है, इसका ब्रेकेज अपने को नहीं पता। वी डोंट नो द ब्रेकेज। ये सिर्फ लाइन आइटम्स हैं और इनको हम लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। लाइन आइटम्स हैं और ये सिर्फ लाइन फिगर्स हैं। लाइन फिगर्स ये हो चाहे ये हो, ये सिर्फ लाइन फिगर्स हैं। लाइन फिगर्स के पीछे, ठीक है, क्या इनका इनडेप्थ नॉलेज है, ठीक है। इनडेप्थ मतलब ये 5 लाख कैसे है, ये 6 लाख कैसे है, ठीक है। इसमें प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसमें इक्विटी शेयर्स हैं, कितने रुपए वाले हैं, क्या है नहीं है, अपने को कुछ नहीं पता इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, हम इनकी जानकारी कि ये 6 लाख रुपया या ये 5 लाख रुपया कैसे हुआ है, इसकी डिटेल्ड जानकारी के लिए हम क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। दैट्स वाई वी से दैट नोट्स ऑलवेज फॉर्म द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट से चीजें क्लियर नहीं होंगी जब तक आप उनके लिए नोट्स ना बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्व एंड सरप्लस, मैंने लिखा पिछले साल अपने पास में 10 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस था, इस साल अपने पास में 9 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस है, या 11 लाख का है, या 12 लाख का है, कुछ भी है, कोई भी फिगर है, तो भाई रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, डिवेंचर इक्वलाइजेशन रिजर्व है, ठीक है, डिविडेंड डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, कौन सा रिजर्व है, बहुत सारे रिजर्व होते हैं, ठीक है। और सारे रिजर्व तो मेन हेड सब हेड में ही जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस। तो भाई ये 10 लाख की फिगर पिछले साल कौन से रिजर्व से थी, ये 9 लाख की फिगर अभी पिछले साल इस साल कौन से रिजर्व से है, इसको देखने के लिए आपको नोट नंबर 2 देखना पड़ेगा।
और नोट नंबर टू देख करके सामने वाले को समझ में आए इसके लिए अपने को नोट्स नंबर टू बनाना पड़ेगा। सिंपल सर, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो आप जितने भी नोट्स यहां मार्क करेंगे सारे नोट्स आपको नीचे क्या करने पड़ेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मिंग पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप उनको बैलेंस शीट का फॉर्मिंग पार्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो फिर जो इस बैलेंस शीट को देख रहा होगा उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो 5 लाख फिगर कहां से आई, 6 लाख कहां से आई, 10 लाख कहां से आई, 9 लाख कहां से। तो पहला मेजर हेड के अंदर दो सब हेड हमने डिस्कस किया, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसके अंदर जो तीसरा सब हेड है फॉर्मेट में, वो मैं अभी लिख दे रहा हूं, इसको डिस्कस अभी हम लोग नहीं करेंगे, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप मेरे से अभी ये पूछेंगे भी नहीं कि सर ये क्या है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स, ठीक है, ये कुछ होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। जब मुझे समझाना होगा तब मैं आपको ये समझा दूंगा कि क्या होता है, ठीक है। पहला मेजर हेड, इसके अंदर हमारे पास में यही तीन सब हेड्स होते हैं। क्या सर हम चौथा कोई सब हेड डाल सकते हैं? बेटा आप किसी भी हाल में, रोते हंसते जागते सोते, किसी भी हाल में आप कोई चौथा सब हेड यहां मत डाल देना, ठीक है, आप नहीं डाल सकते, बिकॉज शेड्यूल ये आपको अलाउ नहीं करता। ये जो फॉर्मेट है एज पर शेड्यूल 3, ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप इसके अलावा कोई भी सब हेड यहां लिखें, ठीक है सर, हम कोई दूसरा सब हेड नहीं लिखेंगे। जी बिल्कुल, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी के हेडिंग्स के अंदर पहला मेन आपका जो मेजर हेड है वो है शेयर होल्डर्स फंड। उस मेजर हेड के अंदर आपके तीन सब हेड हैं, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, जिसके ऊपर अभी सर ने स्टार करा दिया कि ये अभी हम नहीं बता पाएंगे, जब बताना होगा हम आपको बता देंगे। आपको इस पे काम करना है शेयर कैपिटल पे, और आपको इस पे काम करना है रिजर्व एंड सरप्लस पे, और इन दोनों के नोट्स भी आपको इस चैप्टर के अंदर बनाने आने चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद आगे बताइए आगे कौन सा सब हेड आता है? तो आता है दूसरा शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। सर ये अलग से एक कोई मेजर हेड है? हाँ जी बेटा, ये अलग से एक मेजर हेड है, इसीलिए मैंने इसके नीचे क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। देखिए जो जो मेरे मेजर हेड्स चल रहे हैं उन मेजर हेड्स के अंदर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। सर इसके अंदर कोई सब हेड भी है क्या? नहीं भाई, इसके अंदर कोई सब हेड नहीं है। सर हमें ये फॉर्मेट कैसे याद होगा? बनाते बनाते याद हो जाएगा, ठीक है, और या नहीं तो बुक में छपा हुआ है, रट लेंगे तो भी याद हो जाएगा, ठीक है सर। इसको क्या करना पड़ेगा, तो जितनी बार क्वेश्चन बनाइएगा बेटा आपको ये हेड्स और सब हेड्स अपने आप, मेजर हेड्स और सब हेड्स अपने आप आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट इतने तो आपको इस चैप्टर में ही याद हो जाएंगे कि भाई हमें इस चैप्टर में बनाना है। आगे चलते हैं सर, इसके बाद क्या है? इसके बाद बेटा है अपने पास में तीसरा सब हेड जो कहता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। सर इसके नीचे क्या कीजिएगा? तो बेटा इसके नीचे भी अंडरलाइन, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, तो बेटा इसमें मेरा नेट तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, मेरा नेट प्रॉब्लम नहीं कर रहा है बाबू, हम तुरंत तुरंत चेक कर रहे। ठीक है, जिनको दिक्कत है उनको हम बता रहे हैं ना, ठीक है, हम अपनी तरफ से वो कर दे रहे, ठीक है, मेरे पास मेरा स्पीड जो हम अरेंज कर पा रहे हैं इतना है, लगभग 17 Mbps आ रहा है बेटा स्पीड मेरा, तो मेरे तरफ से नहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है दैट प्रॉब्लम विल बी परसिस्टिंग ड्यू टू योर इंटरनेट, आपके इंटरनेट, मेरा तो मेरा नॉर्मल 22-23 भी जा रहा है, ठीक है, 15 से कम तो जा ही नहीं रहा है स्पीड। क्या जी बाबू साहब, भैया देखिए हम इंजीनियर नहीं है भाई साहब, हम
हमको तो यही बताया गया कि इसी तरीके से आप अपना नेट का स्पीड चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंजीनियरिंग तो हम किए नहीं है कि हम जाने कि इससे अलावा ये अपलोड का स्पीड है कि डाउनलोड का स्पीड है। हमको जब भी कहा जाता है मेरे नेट प्रोवाइडर की तरफ से कि अगर कोई स्पीड में प्रॉब्लम हो तो सर आप एक बार स्पीड ऐसे चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर स्पीड आपकी 10 Mbps से कम आ रही है इस प्रोसेस में तो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा, ठीक है। तो भाई एज पर द इंस्ट्रक्शन एज एन यूज़र मैं यही करके देखता हूँ, ठीक है। और जब मेरी स्पीड 12, 13, 14 Mbps से ऊपर रहती है मेरी क्लास एकदम नॉर्मल आराम से चलती है, ठीक है। और 22, 25 Mbps जो भी होती है वो डाउनलोड की ही स्पीड होती है, अपलोड की स्पीड जो होती है उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। डाउनलोड की स्पीड आपको बता दूं कि जितना Mbps शो होता रहता है उससे डिवाइड बाई 8 करके डाउनलोड की स्पीड होती है, इंटू 2 करके अपलोड की स्पीड होती है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, अपलोड की स्पीड ठीक है मेरी। कोई प्रॉब्लम आपके साइड भी हो सकती है, जो यूज़र है उसके साइड भी बेटा हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, ठीक है। अपोजिट साइड में भी नेटवर्क प्रॉब्लम के चांसेस हो सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे तरफ भी प्रॉब्लम हो सकता है, उधर भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। किसी भी साइड प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक बार नहीं हो तो लेफ्ट करके फिर से इंटर करने की कोशिश करें, ठीक है। हो सकता है आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। क्योंकि इसी स्पीड पे और इसी मेंटेनेंस पे तो नॉर्मल क्लासेस एवरीडे हम लोग करते ही, कहीं दिक्कत तो आती नहीं, ठीक ठीक है। आप सेशन चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेशन चेंज करके ऐड हो जाइए। चलिए ऑलमोस्ट सभी लोग ऐड हो गए। ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है या ठीक है बेटा? ठीक चला जाए। तो अगला जो आपका मेजर हेड है, अगला मेजर हेड जो आपके बैलेंस शीट में है वो है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आपके चार सब हेडिंग्स हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। यही फॉर्मेट है? जी हाँ, यही फॉर्मेट है। सारी चीजों को इसी के अंदर हटाना पड़ेगा? जी सर, इसी के अंदर हटाना पड़ेगा। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज का दूसरा नाम जो लोकल बोलचाल की भाषा में आप जानते हैं उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने शेड्यूल 3 में, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर इसको नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोलने लगे हैं। इसका नया नाम क्या हो गया? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में जो सबसे पहला हेडिंग है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ऑब्वियसली बात है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लंबे समय के लिए आपने बोरोइंग्स की हैं तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी तो हो नहीं सकती है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। इसीलिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आती है पहली हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सर इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें डिवेंचर्स आ सकते हैं, इसमें बैंक लोन आ सकता है, इसमें पब्लिक डिपॉजिट्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जब जो चीजें इसके अंदर फॉल करेंगी हम आपको बताते हुए चलेंगे। सर इसका भी नोट बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ दिखेगा कि मान लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मान लो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं 10 लाख रुपए का,
यहाँ पे दिखा रहा हूँ 5 लाख रुपए का, तो भाई पता कैसे चलेगा कि ये कौन सी लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स है? ठीक है, तो इसके लिए क्या सर मुझे नोट्स बनाना पड़ेगा? बेटा बहुत जगह आपको नोट्स बनाना पड़ सकता है, ठीक है, बिकॉज ये बैलेंस शीट बहुत कंसाइज है, इसके लिए आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हाँ बोलिए, हाँ है, बताइए क्या हुआ? भाई आप लोग एक दूसरे को मैसेज ना करें कृपया करके, ठीक है, कृपया करके आप लोग एक दूसरे, ठीक है, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बोले, आप पर्सनली किसी को मैसेज ना करें, कोई भी किसी को मैसेज ना करे, ठीक है, कोई भी पर्सनली किसी को कोई मैसेज ना करे, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आप मेरे से बात करें, हम बता दें क्या दिक्कत है क्या परेशानी, ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से बात करें, पर्सनली कोई किसी को मैसेज नहीं करेगा, कोई भी किसी को मैसेज नहीं करेगा पर्सनली, ठीक है। और जब हम कुछ बोल रहे हैं तो बीच में आप पहले मेरी बात को पूरा सुने, उसके बाद में फिर आपको अगर कोई डाउट है तो आप रिप्लाई करें, मैं आपको डाउट पूछने का टाइम दूंगा हर बच्चे को, ठीक है, बीच में कोई किसी को मैसेज नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा किसी को भी मैसेज, आइए लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारा हो गया एक। इसके अंदर जो दूसरा सबहेड है जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है वो है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट, ठीक है, ये आपको नहीं जानना है कि क्या है, लेकिन हाँ क्योंकि फॉर्मेट का एक पार्ट है इसीलिए फॉर्मेट बताने टाइम हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। अगला आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और नेक्स्ट आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो इस मेन हेड के अंदर 4 सब हेड हैं इस तरीके से, और अगला जो मेन हेड है वो अगला मेन हेड है करेंट लाइबिलिटीज का, ठीक है, अगला मेन हेड है करेंट लाइबिलिटीज का, इसके अंदर भी आपके सबहेड्स हैं, ठीक है, इसके अंदर भी 4 सबहेड्स हैं, ए बी सी और डी, इसकी जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देख लेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी पोर्शन में आपके 4 मेन हेड्स हैं और 4 मेन हेड्स के अंदर सब हेड्स हैं, ठीक है, और इतनी ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके फेस पे होगा, दिस इज द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, फेस ऑफ द बैलेंस शीट का पहला ऊपर वाला हिस्सा है ये, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा अपर मोस्ट पार्ट जहां पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी की सारी चीजें लिखी रहती हैं। इनमें आपको जो डीप स्टडी जानी होगी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है, अदर बोरोइंग्स में क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या है, ये सारी चीजों के लिए आपको अलग 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 सेपरेट नोट्स बनाना पड़ेगा, और तब यहाँ पे सिर्फ फाइनल फिगर आएगी, यहाँ पे सिर्फ फाइनल फिगर आएगी, और इस तरीके से करके आपका यहाँ पे टोटल लग जाएगा दोनों साइड का, दोनों साइड का टोटल लग जाएगा, और इसके नीचे फिर एसेट्स की बातें होंगी। तो इसके नीचे का जो कॉलम होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें हमें 2 सबहेड्स आपको डिस्कस करके बताने हैं कि उनको उनके नोट्स को कैसे बनाया जाता है। तो पहला सबहेड जो हमें डिस्कस करना है वो शेयर कैपिटल डिस्कस करना है, और दूसरा सबहेड जो डिस्कस करना है वो रिजर्व एंड सरप्लस डिस्कस करना है, बिकॉज आपके पास में इन दोनों के नोट्स टू अकाउंट्स आपको बनाने हैं क्लास 12th के अंदर, ठीक है। इनमें शेयर कैपिटल जब भी आप बैलेंस शीट में बनाएंगे आपको साथ में शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स देना है, और रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे इसका भी आपको नोट्स टू अकाउंट्स देना पड़ेगा,
बाकी अगर किसी और नोट्स टू अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी तो एट द टाइम बीइंग जब जरूरत पड़ेगी, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नोट्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये मैं आपको डिबेंचर वाले चैप्टर में बताऊंगा, डिबेंचर्स वाले चैप्टर में इसके बारे में बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा और किसी का नोट्स टू अकाउंट्स बनाना अगर पड़ेगा तो हम लोग देन एंड देयर वहां पे देख लेंगे कि नोट्स टू अकाउंट्स उसका कैसे बनता है, ठीक है। आपको क्या नहीं जानना है तो यहाँ पे एक डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी करके एक ये जो सबहेड है, इस सबहेड को आपको नहीं पढ़ना है। ये क्या होता है ये आपको जानने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसे देखेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर हमें टाइम मिलेगा, उस टाइम अगर समय रहेगा तो हम आपको बता देंगे कि ये डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी यहां आ रही है। जब हम एसेट का कॉलम बनाएंगे नीचे तो वो एसेट में भी आती है, डेफर्ड टैक्स एसेट करके भी आता है, ठीक है। तो क्या होता है डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे आपको समझा दें, ठीक है। फिलहाल हम लोगों को ये, हमने अभी एक बैलेंस शीट का सिर्फ इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड बनाया है, इसमें दूसरा साइड जो है वो एसेट साइड है। ऐसे ही यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो आइए ठीक इसके नीचे, जैसे ही इक्विटी एंड लाइबिलिटी जहां आप बनाएंगे उसके नीचे एसेट्स लिखा जाएगा। हम आपको एक बार बुक में दिखा देते हैं ताकि ज्यादा समय अपना वेस्ट ना हो और हम लोग उस चीज को कर पाए, ठीक है। तो आप यहां देख लीजिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ऐसे इक्विटी एंड लाइबिलिटी के टोटल के नीचे आपके एसेट्स में, एसेट्स के बारे में लिखा हुआ है। दो आपका क्या है, मेजर हेड है, पहला है नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा है करेंट एसेट्स, और उसके अंदर पूरी लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एसेट्स लिखते हैं। पहले हम ऊपर में क्या लिखते हैं, ऊपर में हम इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं, ठीक है। पहले हम इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं जो कि मैंने आपको बताया, फिर उसका टोटल लिखते हैं और फिर उसके नीचे एसेट्स लिखते हैं और उसका टोटल लिखते हैं, और दोनों टोटल जो होना चाहिए वो हमारा बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मेरा करंट पीरियड के लिए और ये हो गया मेरा प्रीवियस पीरियड के लिए, ठीक है। ये करंट पीरियड के लिए हो गया और ये हो गया हमारा प्रीवियस पीरियड के लिए सारे आइटम्स, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे ही ये बैलेंस शीट बन जाएगी इसके नीचे नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाना है और किसका बनाना है। तो अपने को पहला नोट्स टू अकाउंट्स शेयर कैपिटल का सीखना है और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस का सीखना है, बस यही दो सीखना है। देखिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाना बहुत इजी होता है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट आपको नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोच ये किया कि यहाँ पे आपने अपनी एक बैलेंस शीट बना ली है, मैं एक छोटा सा फॉर्मेट डाल देता हूँ बैलेंस शीट का, ठीक है। ये आपने बैलेंस शीट बना करके यहाँ कंप्लीट कर ली, मैंने बोला कि ये रहा आपने बैलेंस शीट यहाँ बना दी, ये बैलेंस शीट बन गई आपकी, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकुलर्स था, यहाँ पे नोट नंबर था, यहाँ पे करंट ईयर की फिगर थी, यहाँ पे प्रीवियस ईयर की फिगर थी, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी की फिगर थी इसके अंदर, ठीक है। ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी का यहाँ बैलेंस आपने निकाल दिया और ये यहाँ पे एसेट्स की फिगर थी, ठीक है। ये हो गया वन, ये हो गया टू, इसके अंदर जितने सब हेड्स रहे होंगे वो सब आपने लिख विख दिए। मैंने एक प्रॉपर बताया कि भाई ऐसे आपकी बैलेंस शीट रेडी है, अब उसके नीचे क्या करना है, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पे 1,00,000 का बैलेंस आ गया, यहाँ भी 1,00,000 का बैलेंस आ गया, बैलेंस शीट आपकी मैच कर गई, पिछले साल 50,000 था, ये सब 50,000। चल भाई, तो अब इसके ठीक नीचे एक लाइन छोड़ के आपको नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पे लिखना है। कैसे लिख देना है, सिंपल नोट्स टू अकाउंट्स लिख देना है, लाइन खींच लेनी है, ये बन गया नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट।
कुछ खास नहीं है इसके फॉर्मेट में। पहला डब्बा पार्टिकुलर्स का बना लेना, पहला डब्बा पार्टिकुलर्स का बना लेना है। दूसरा किस साल की फिगर होगी, तो दूसरा जो होगा फिगर वो करेंट ईयर की फिगर होगी, और तीसरा किस साल की फिगर होगी तो प्रीवियस ईयर की फिगर होगी। कहीं कहीं इस तरीके से भी नोट्स बना हुआ मिलता है, कहीं कहीं आपको ये प्रीवियस ईयर की फिगर, ये करेंट ईयर की फिगर, कभी कभी आपको सिर्फ करेंट ईयर का नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर वाला कॉलम नहीं हो सकता। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको प्रीवियस ईयर का कॉलम ना दिया हो, ठीक है, बस आपके पास में सिर्फ करेंट ईयर हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो मैक्सिमम केसेस में आपके क्लास में यही चीज रहती है कि सिर्फ करेंट ईयर का ही फिगर रहता है। लेकिन जब आप बड़े बड़े बुक्स देखेंगे, जब आप प्रैक्टिकली ये नोट्स टू अकाउंट्स देखेंगे किसी कंपनी का, तो आपको उसमें प्रीवियस ईयर की भी फिगर रहती है। इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर की फिगर भी लिखी थी, ठीक है। आप जब नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाओ तो प्रीवियस ईयर का ऐसे करके बना देना, और जगह जगह जहां जहां जो भी होगा वहां डैश देते हुए चले जाना, बिकॉज आपको प्रीवियस ईयर की फिगर के बारे में डिटेल नहीं पता होगा। तो जब डिटेल नहीं पता होगा तो आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते हो, लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहो तो बना भी सकते हो, नहीं भी बनाओगे तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नोट्स टू अकाउंट्स कैसे पोजीशन पकड़ेगा, कैसे पोजीशन पकड़ेगा, तो भाई बैलेंस शीट में आपने एक नंबर जहां दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर दिया था शेयर कैपिटल के आगे, ठीक है, दूसरा नंबर आपने दिया था रिजर्व एंड सरप्लस के आगे, तो यहां पे एक नंबर में आपको किस चीज का नोट्स बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा शेयर कैपिटल का, डैश दे देंगे, ठीक है। इसके बाद सारी डिटेलिंग लिखी जाएगी शेयर कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है भाई, शेयर कैपिटल से रिलेटेड सारी डिटेलिंग जब लिख दी जाएगी, देन उसके बाद जितनी भी बातें, क्या क्या बातें ये अभी हम करेंगे, ठीक है, जितनी भी बातें शेयर कैपिटल से रिलेटेड लिख देनी है सारी लिख देनी है यहां पे, और उसके बाद तब दूसरा नंबर नोट से स्टार्ट करना है रिजर्व्स एंड सरप्लस का, ठीक है। सर क्या इसी बॉक्स में स्टार्ट करेंगे, इसी फॉर्मेट में? हाँ जी, नोट्स का एक फॉर्मेट बनेगा और यही फॉर्मेट आगे 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 कॉपी होता चला जाएगा। आपको जितने भी नोट्स बनाने हैं एक ही फॉर्मेट के अंदर आप बनाते जाएंगे, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस इसमें जितनी बातें हैं लिख देंगे। सर तीसरा नंबर मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को दिया हुआ था, तो ठीक, इसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बनाएंगे, फिर उसके नीचे मान लिया कि अगला शॉर्ट टर्म प्रोविजन का नेक्स्ट नोट्स दिया हुआ था, तो अगला नोट्स आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन का बनाएंगे, और इसी तरीके से आपका सीरियल क्या होता चला जाएगा, कंटिन्यू होता जाएगा। मतलब ऊपर बैलेंस शीट और नीचे उसके रेस्पेक्टिव नोट्स, ठीक है। अब बात आ रही है, अब ये दोबारा जब मैं डिबेंचर पढ़ाऊंगा तो मैं यही चीज थोड़ी ना रिपीट करूंगा, तो अब आप इस चीज को समझ रहे हैं, आपको जब बैलेंस शीट बनानी आ रही है और नोट्स बनाने आ रहा है, तो चाहे आप डिबेंचर के चैप्टर में बनाइए, चाहे आप शेयर्स के चैप्टर में बनाइए, चाहे आप कैश फ्लो के चैप्टर में बनाइए, सब जगह आपके बैलेंस शीट और नोट्स इसी तरीके से बनेंगे और मिलेंगे। चाहे आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं बैलेंस शीट बनाइए, चाहे अकाउंटिंग रेशियोज में आपको बैलेंस शीट बनी हुई मिले, आपको उसको पढ़ना हो, सब जगह पढ़ने और बनाने का तरीका सिमिलर रहता है। इसीलिए बहुत सारी चीजें रिपीट होकर के चलती रहेंगी। आइए अब हम आपको सिर्फ शेयर कैपिटल का नोट्स के अंदर क्या क्या आइटम आता है वो आइटम्स बता रहे हैं और उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपको लिखनी है शेयर कैपिटल के नोट टू अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो भाई नोट्स टू अकाउंट्स, सर क्या ये बातें लिखनी ही पड़ेंगी? जी बेटा, ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स अगर आपको बनाने के लिए मिलेगा तो,
क्या हम इसको छोड़ नहीं सकते? नहीं, आप इसको छोड़ नहीं सकते. क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट का पार्ट है. सर, अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा तो हम बात करते हैं. उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया होगा तो आपको क्या करना है? मतलब कोई अगर वर्ड में लिखूं और उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो सर क्या करेंगे? तो देखते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे. आइए, पार्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है, मैंने नॉर्मल फॉर्मेट कर लिया जिसमें मैं सिर्फ करंट ईयर के बारे में लिखूंगा. प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं है आपने पास तो छोड़ देते. सबसे पहले मैंने यहां लिखा, आप चाहें कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. शेयर कैपिटल लिख के अंडरलाइन कर दीजिए. आप चाहें स्मॉल में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. कैपिटल स्मॉल का कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है, जो भी लिखना है आप लिख दीजिए. शेयर कैपिटल, शेयर का. अब इसके अंदर जो बातें हैं उन बातों को क्या सर वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखना है? मैंने बोला जी वैसे ही लिखेंगे जैसे लिखना है. ठीक है, तो आइए पहली बात, जो सबसे पहला यहां हेडिंग होगा वो हेडिंग लिखेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल. मतलब नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, हम सब समझाएंगे. मतलब नहीं बताए हैं अभी, ऑथराइज्ड कैपिटल. ठीक है, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज ईच. ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल, जितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ जितना रुपीज ईच लिखा होगा लिख देंगे. दूसरा, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज ईच. मैंने ये क्यों लिखा? मैंने ये इसलिए लिखा कि भाई डैश डैश क्यों लिखा? आपको क्वेश्चन में जो दिया होगा आप लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया होगा ए लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. तो भाई लिख देना, यहां पे 10,000 लिख देना, यहां पे 10 लिख देना. एंड 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50 ईच, तो लिख देना नीचे से, ये मिटा देना भाई, हो गया. तो सबसे पहले आपको ऑथराइज्ड कैपिटल लिखना होता है. अब भाई बात आ गई कि सर अगर ऑथराइज्ड कैपिटल हमें नहीं दिया हो किसी क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? तो बेटा अगर ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं दिया हो तो ये फॉर्मेट बना के, ध्यान देना, ये फॉर्मेट बना के और यहां डैश डैश करके छोड़ना. ठीक है, ये नहीं कि नहीं दिया हुआ है तो उड़ लिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप. ठीक है, अगर आपको ऑथराइज्ड कैपिटल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, मेक दिस कॉलम, राइट दिस थिंग एंड लीव अ ब्लैंक स्पेस, लीव अ ब्लैंक स्पेस. ये आपको करना ही पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज बेटा फॉर्मेट आपको कहता है कि यू शुड हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दिस. इसके पीछे कोई लॉजिक हम आपको नहीं बता पाएंगे. ठीक है, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद द ऑथराइज्ड, आप इसको ऐसे करके छोड़ दीजिए. इफ यू आर प्रोवाइडेड विद दैट इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, टोटल कर दीजिए. अगर आपको प्रोवाइडेड है कि भाई 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले हैं तो ठीक है भाई, लिख दो यहां ब्लैंक्स की जगह 1,00,000 रुपया लिख दो. और 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स 50 रुपए वाले हैं तो 2,50,000 रुपया बनता है, यहां से इसको हटाओ, 2,50,000 रुपया लिख दो और यहां 3,50,000 रुपया लिख दो. ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक बात समझ में आ गई होगी. अब सवाल खड़ा होता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है. ठीक है, तो बताइए किसी को पता है अगर कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है तो बताइए. ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? 11th में आप पढ़ के आए हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल क्या?
पढ़ा है आप लोगों ने? ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में कोई जानकारी है आप लोगों को? इतना का ठीक, हाँ यही होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है दैट मैक्सिमम लिमिट टू विच अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर इन मार्केट। वो मैक्सिमम लिमिट जितना कैपिटल, जितना शेयर कंपनी मार्केट में इशू कर सकती है, उसको हम लोग ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन हमें ऑथराइज शेयर कैपिटल के बारे में नोट्स में डालना होता है। दूसरा इंफॉर्मेशन, इशूड कैपिटल ये क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा। हाँ जी ठीक है, हमें बताने दीजिए, हम जब आपसे पूछें तब आप रिप्लाई करें, ठीक है। इशूड कैपिटल, दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच द कंपनी हैज ऑफर्ड टू पब्लिक टू परचेज, ठीक है। इशूड कैपिटल वो हिस्सा होता है जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया है कि आप खरीद सकते हैं और हमें इस पे पैसा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे भी आपको इशूड कैपिटल की जानकारी कैसे देनी होगी? सेम जितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपने इशू किया है और जितने रुपए का इशू किया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आप प्रेफरेंस की भी जानकारी दे सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर सर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हैं तो बेटा आप ये प्रेफरेंस वाला लाइन खाली भी छोड़ सकते हैं, बात समझिएगा, ठीक है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास में है, तो प्रेफरेंस वाला लाइन आप खाली भी छोड़ सकते हैं, इसको ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर सिर्फ कंपनी के पास में इक्विटी शेयर्स ही कंपनी ने इशू किए हैं, प्रेफरेंस नहीं इशू किए हैं या प्रेफरेंस है ही नहीं, तो आप उस लाइन को ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बोला कि कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, इसमें से कंपनी ने 8,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले मार्केट में इशू कर दिए, तो भाई 80,000, कंपनी ने 80,000 का मार्केट में ऑफर निकाल दिया है, अब आइए, अब बात आती है तीसरे नंबर पे आता है आपका जो नोट्स में थर्ड स्टेज पे आएगा, वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या सर हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा? जी बिल्कुल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल ओवर विच the investors have shown their consent to purchase। मतलब जब कंपनी ने इशू किया था, ऑफर दिया था, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो है जो कि सामने वाला इन्वेस्टर आपकी बात को, आपके ऑफर को मान गया और वो आपके कंपनी में पैसा लगाने को रेडी है। दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर दो तरह का कैपिटल आता है। पहला, तो यहां पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपको कुछ लिखना नहीं है,
सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ठीक सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नीचे पहली एक दूसरी हेडिंग आएगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मतलब ये पहली हेडिंग आई सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक उसके नीचे ये दूसरी हेडिंग आ जाएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब यहां आपको लिखना है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच, अगर इक्विटी है, अगर प्रेफरेंस भी है तो इतना प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच। तो भाई अगर आपने इशू किया होगा प्रेफरेंस शेयर्स तो यहां भी प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, अगर आपने इशू ही नहीं किया होगा प्रेफरेंस शेयर्स तो ऑब्वियस सी बात है यहां प्रेफरेंस शेयर्स फिर यहां भी नहीं आएगा। भाई अगर आप इशू करोगे, किसी को ऑफर करोगे, तभी ना वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा। अगर आपने सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही ऑफर किए थे, जैसा यहाँ पे मैं देखो, अगर आपने सिर्फ 8000 इक्विटी शेयर्स ही ऑफर किए थे तो भाई कोई ऑफर भी एक्सेप्ट करेगा तो इक्विटी शेयर का ही ना करेगा, प्रेफरेंस का थोड़ी कर लेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ प्रेफरेंस आता तो यहाँ भी प्रेफरेंस आता। ठीक है, तो यहाँ मैंने सिर्फ इक्विटी से एग्जाम्पल लिया है तो नीचे भी सिर्फ इक्विटी का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला कि इशू किए 8000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, मतलब सामने वाले ने ऑफर एक्सेप्ट किया और पूरा पैसा दे दिया है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, मतलब कंपनी ने मांग लिया होगा उसने दे दिया हो। हमने बोला 7000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 8000 में से 7000 लोगों ने हमें पूरा पैसा दे दिया है। ठीक है, तो ठीक है भाई, अगर 8000 लोगों में से हमें 7000 लोगों ने पूरा पैसा दे दिया है तो 70000 हमें मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो समझ में आ रहा है। तो अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर एक हेडिंग तो ये हो गई कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तो भाई एक दूसरी हेडिंग और आएगी जहां हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो है लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है। ठीक है, फुल्ली पेड अप नहीं है, क्यों नहीं है फुल्ली पेड अप? तो भाई उसने कहीं कॉल्स इन एरियर किया होगा, किसी शेयर पे उसने पैसा नहीं दिया होगा। तो भाई 8000 हमने इशू किए थे, 7000 तो फुल्ली पेड अप हो गए हैं, मतलब यहां पे 1000 इक्विटी शेयर्स मेरे ऐसे हैं, शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपए वाले थे लेकिन इन्होंने अभी 10 रुपया दिया नहीं है, तभी इनको हमने कहां लिखा है, नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में लिखा है। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, ये नॉट फुल्ली पेड अप है, हम इनसे मांग रहे थे कि मिल जाएगा 10000 रुपया लेकिन इन्होंने कॉल्स इन एरियर कर दिया, तो यहीं पे नीचे लिखना पड़ेगा लेस कॉल्स इन एरियर। मान लो इन्होंने 2 रुपया नहीं दिया, तो 2 रुपया नहीं दिया तभी तो इनको हम कह रहे हैं कि दे आर नॉट फुल्ली पेड अप, इन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। तो भाई मान लो 2 रुपया नहीं दिया, कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे, तो इनसे मिला कितना है, 8000। ठीक है, तो फाइनल अगर हम नोट्स बंद करें अपना तो हमें क्या पता चलेगा कि हमें कितना कैपिटल मिला है, 78000। ठीक है, हमने इशू कितना किया था, 80000, लेकिन 80000 पूरा अभी नहीं मिला है, हमारा 2000 रुपया कॉल्स इन एरियर में पड़ा हुआ है और बाकी 78000 हमें मिल गया। ये मेरा बना एक नोट्स टू अकाउंट। सर इसमें से कोई पार्ट छोड़ सकते हैं? हमने बोला कि बेटा इसमें और पार्ट अभी जुड़ेगा, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, इतना तो मिनिमम है, इतना तो मिनिमम है। हाँ,
आपको ये डेफिनेशंस नहीं लिखने हैं, ये डेफिनेशंस मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हुए थे, ठीक है, कि क्या होता है ऑथराइज शेयर, क्या होता है इशूड शेयर। अब एक बार अगर आप चाहें तो पिक्चर क्लिक कर लें, मतलब वो कर लें स्क्रीनशॉट, नहीं तो मैं फिर डेफिनेशंस हटा के दिखाऊं कि एक्चुअली ये कैसा दिखेगा। तो मैं डेफिनेशंस हटा रहा हूं यहां से, ये कुछ यूं आपको दिखाई देगा। फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए भाई, फॉर्मेट गलत हो जाएगा हम किसी भी हाल में आपको मार्क्स नहीं दिलवा पाएंगे। फॉर्मेट पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, फॉर्मेट हम सिर्फ सिखा सकते हैं। फॉर्मेट याद करके बोर्ड में बना के आना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या सर आपको भी ये फॉर्मेट याद करना पड़ता है? जी। क्या प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकली इसी फॉर्मेट में होती है? जी। सर आप इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोगों को दिखाएंगे? ठीक है, अगर हम लोग क्लास में होते तो हम आपको जरूर दिखा दिए होते, अब तक वेट भी नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो क्या ये फॉर्मेट है? दिस इज द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है। ठीक है, और जिन लोगों को मैंने अपनी कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई हुई है उनको ये नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट शायद याद होगा। ठीक है, जिनको मैंने अपनी कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई हुई है। ठीक है, अगर नहीं आपने देखी हुई है तो मैं अरेंज करता हूँ किसी तरीके से, कोई एक फॉर्मेट मैं आपको भेजूंगा, किसी कंपनी की बैलेंस शीट आप चेक करना, उसके नोट्स टू अकाउंट्स इसी तरीके से लिखे मिलेंगे आपको बिल्कुल। तो ये सर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द शेयर कैपिटल, यस दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। सर हमें एक्चुअली बताइए कि कितना पैसा कंपनी की बैलेंस शीट पे आ रहा होगा, बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट के हेड पे कंपनी का ये पैसा आ रहा होगा बेटा 78,000, बिकॉज कंपनी को इतना ही पैसा रिसीव हुआ है। क्या कंपनी को 80,000 रिसीव हो गया? नहीं, कंपनी ने बोला कि रिसीव 80,000 होगा, लेकिन क्योंकि एक जगह कॉल्स इन एरियर हो गया इसी वजह से 80,000 रिसीव नहीं हुआ। सर अगर ये कॉल्स इन एरियर नहीं होता तो बेटा, अगर ये कॉल्स इन एरियर नहीं होता तो फिर ये वाला पूरा पोर्शन नहीं होता। मैं मिटा के दिखा दे रहा हूं, अगर कॉल्स इन एरियर नहीं होता, ठीक है, तो फिर ये सेकेंड वाला जो फॉर्मेट है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये दूसरा एरो यहां से नहीं उठता। ठीक है, आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में ही यहां पे 8,000 इक्विटी शेयर्स दिखते और यहां पे ये वैल्यू सीधे दिखती 80,000 और यही वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में भी दिखती कितनी? 80,000। तो सर अगर कॉल्स इन एरियर नहीं होगा तो हम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप वाला नोट्स नहीं लिखेंगे? हम बोले बिल्कुल नहीं लिखेंगे, जरूरत ही नहीं है लिखने। ठीक है, अगर मेरे सारे ही इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड हो गए हैं तो हम फिर नॉट फुल्ली पेड अप का क्यों लिखेंगे जब हमारे पास में है ही नहीं? क्योंकि तो सामने वाले को दिख रहा है ना भाई कि इशू 8,000 हुआ और सब्सक्राइब में फुल्ली पेड अप में भी 8,000 रुपया लिखा, 8,000 इक्विटी शेयर्स लिखा ही गया। तो जब भाई 8,000 आपने इशू किया, 8,000 पे फुल्ली पेड अप हो गया, पैसा जब मिल ही गया तो पार्टली पेड अप का तो कोई बात ही नहीं है, तो नॉट फुल्ली पेड अप की तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर वो क्यों आएगी हमारे नोट्स के अंदर? ठीक है, तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या ऑथराइज्ड कैपिटल आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या इशूड कैपिटल लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। सर अगर ऑथराइज्ड का इंफॉर्मेशन ना हो डैश डैश देके छोड़ दीजिए, लेकिन ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है सर, सब्सक्राइब भी लिखना पड़ेगा। क्या सर अगर फुल्ली पेड अप हो गया तो पार्टली पेड अप का कॉलम दिखाना पड़ेगा? नहीं दिखाना पड़ेगा। लेकिन सर अगर क्या फुल्ली पेड अप नहीं हुआ, पार्टली पेड अप भी है, तो ऑब्वियसली जैसे अभी हम पहले दिखाए हुए थे वैसे आपको करके दिखाना पड़ेगा। सर क्या इसमें भी और भी चीजें हैं? बेटा बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें और हैं। तो आइए, ये एक हो गया शेयर कैपिटल का जो सबसे बेसिक नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, वो नोट्स टू अकाउंट्स दैट कंप्राइजेस ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, एंड सब्सक्राइब्ड के अंदर दो पोर्शन, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एंड दूसरा पोर्शन हो सकता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप अगर उस पे पैसा आपको नहीं मिला है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा जो आपने बोला था नोट्स टू अकाउंट, उसको भी थोड़ा सा बना दीजिए। मैंने बोला कि चलिए दूसरा नोट्स टू अकाउंट्स भी हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। दूसरा नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग के पास कौन सा था? तो रिजर्व एंड सरप्लस का था।
तो रिजर्व एंड सरप्लस का तो इजी है, उसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं, उसमें इतनी बातें भी नहीं लिखनी है। जैसे बोला तो यहाँ नोट नंबर चेंज हो जाएगा, लिखा जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको कैपिटल्स में लिखना है आप कैपिटल्स में लिखें, स्मॉल में लिखना है स्मॉल में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इसके अंदर अगर मान लिया एक से ज्यादा रिजर्व है तो ए जनरल रिजर्व, मान लिया 1,00,000 रुपया बैलेंस, बी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, मान लिया इसके अंदर 2,00,000 बैलेंस, सी कैपिटल रिजर्व, मान लिया इसके अंदर भी 2,00,000 बैलेंस। तो यहां पे क्या फाइनल बैलेंस क्या आ जाएगा, 5,00,000। और जो आपकी बैलेंस शीट के फेस पे आएगा, बैलेंस शीट की फेस पे रिजर्व एंड सरप्लस का ये 5,00,000 वाला बैलेंस आपको दिखाई देगा, ठीक है। दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू फेस ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। और जब 5,00,000 का ब्रेकअप देखना होगा कि ये 5,00,000 बना कैसे है, तो इस 5,00,000 के ब्रेकअप के लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स में आके जनरल रिजर्व एंड सरप्लस के नोट्स में जाके देन यू कैन गेट द ब्रेकअप कि अच्छा इतना ये रिजर्व है, इतना ये रिजर्व है, इतना ये रिजर्व है, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो दोनों मैंने नोट्स बनाया, उस नोट्स का बैलेंस शीट जब बनेगा, जब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओगे, तो वहां शेयर कैपिटल में 80,000 रुपया दिखाई देगा, रिजर्व एंड सरप्लस में पूरा 5,00,000 रुपया दिखाई देगा। और जब उसको डीप डाउन करके उसकी डिटेलिंग देखने आओगे, तो डिटेलिंग में पहला नोट्स शेयर कैपिटल का दिखेगा और दूसरा नोट्स ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का दिखेगा। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट फॉर्म करनी है क्वेश्चंस में, ठीक है। अभी इसमें बैलेंस शीट में और जो चीज़ें होंगी वो भी बताएंगे। ये एक अभी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस शीट मैंने आपको बताया जो कंपनीज में आपको पढ़ना है, ठीक है। होप सो हेलो ठीक है, चलिए अभी इसमें ज्वाइन हो जाने दीजिए लोगों को 2 मिनट, फिर मैं आगे इंस्ट्रक्शंस बता दूं आपको। हाँ जी, तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट फॉर्म करनी है, बैलेंस शीट बनाना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम कल स्टार्ट करेंगे आपको कराना। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैंने सिर्फ फॉर्मेट समझाया है। तो कल कुछ क्वेश्चंस आगे बढ़ा के फिर उसका कंप्लीट कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं वो पूरा बैलेंस शीट बना करके आपको दिखाएंगे। अभी मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया है कि भाई इस तरीके से बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स बनाया जाता है और उसको इस हिसाब से बनाना है अपने को, ठीक है। चलिए
यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। शाम में जो क्लास चलेगी आज वो डिसोल्यूशन का क्वेश्चंस क्वेरी डिस्कशन होगा, तो जो बच्चे डिसोल्यूशन पढ़े हुए हैं, क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, वो शाम वाले बैच में कैरी करके वहाँ डिसोल्यूशंस का क्वेरी, कम से कम अगर आपकी भी क्वेरी नहीं होगी तब भी क्लास अटेंड कीजिएगा। हो सकता है कि आप जो नहीं बनाए हों या जो बना लिए हों उसमें कुछ ऐसा हो जो आपने नहीं समझा हो, तो वो आप समझ पाएंगे। वही बच्चे ज्वाइन करेंगे जिन्होंने डिसोल्यूशन पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको डिसोल्यूशन उस क्लास में ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेरी डिस्कशन होगी, कोई भी कंसेप्ट हम नहीं बताएंगे वहाँ पे, सिर्फ जिनको कंसेप्ट बताया हुआ है उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो इसी टाइम में चलेंगी और कल चलेंगी फिर, ठीक है। तो कल आप इस टाइम में अपना ज्वाइन कीजिएगा। सुबह मॉर्निंग की क्लास में एडमिशन ऑफ द पार्टनर चल रहा है, इन केस किसी को अगर पढ़ना है या रिवाइज करना है या किसी का छूटा हुआ है तो वो सुबह 7 बजे ज्वाइन कर सकता है एडमिशन ऑफ द पार्टनर वाले चैप्टर में, ठीक है। आज ही मैंने वो चैप्टर स्टार्ट किया है, तो अभी मैंने सिर्फ उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज समझाया है, वो भी पूरा नहीं समझाया है, उसमें भी 2-4 क्वेश्चन ही समझाए हैं। तो अगर आप चाहें तो कल से उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारे बैचेस का पता करके रखिए कि किसमें क्या चल रहा है, ताकि आप अपने सुविधा अनुसार उन बैचेस में ज्वाइन कर सकें, ठीक है। बाकी कल इसमें हम लोग क्वेश्चन लेकर के बुक से और बैलेंस शीट बना करके देखेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स बना के देखेंगे। अभी तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था, क्वेश्चन के थ्रू और क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी। चलिए तो अभी के लिए इतना रखते हैं, शाम में मिलते हैं डिसोल्यूशन की क्वेरी वाले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। हाँ बोलिए बेटा। हाँ, एक ही नोट्स टू अकाउंट, वो मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने मिटा दिया और फिर रिजर्व एंड सरप्लस बनाया। अगर आपके पास जगह हो तो जैसे ही शेयर कैपिटल का नोट्स इंड करे एक लाइन छोड़ के, फिर उसके नीचे रिजर्व एंड सरप्लस, फिर रिजर्व एंड सरप्लस इंड करे उसके नीचे, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई तीसरा नोट्स अगर बनाना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये इंड कर गया तो थर्ड यहाँ आप लिख दीजिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का नीचे आप अपना नोट्स, जैसे मान लीजिए कि 100,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच करके आप आगे ऐसे बना सकते हैं। फिर यहाँ के बाद तीसरा खत्म हो जाए चौथा बना सकते हैं, चौथा खत्म हो जाए पांचवा, इस तरीके से आप बना सकते हैं नोट्स, ठीक। चलो ओके, ठीक है, चलो।